I welcome my dear students. Good morning to all of you. Today I am going to focus on your topic narration, direct and indirect, about changing rule of parts of speech. आज मैं parts of speech के जो changing जो rule होते हैं उसके बारे में जिक्र करूँगा। जब direct speech में यानी inverted comma के अंदर ये जितने भी आपका parts of speech दिखाई दे रहे हैं अगर रहता है तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम इस तरह चेंज करते हैं। जैसे हियर रहेगा तो उसको हम देयर में लिखेंगे, टुडे रहेगा तो दैट डे में लिखेंगे, टुमारो रहेगा तो नेक्स्ट डे। उसी प्रकार ये सब जितने भी वर्ड है वह इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से बदल जाता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस कैसे बदलता है। एक एग्जांपल है, he said to me, I shall give you money tomorrow. मैंने बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट यानी सेड में, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपका स्टेटमेंट रहता है वह बदल जाता है यानी टेंस बदल जाता है। और मैंने ये भी जिक्र किया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब सेट में हो और इसके साथ जब ऑब्जेक्ट लगा हो तो अगर वाक्य असर्टिव में हो इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला तो उसको टोल्ड में बदलते हैं, तो सी टोल्ड मी बता देते हैं। और वाक्य जब असर्टिव में रहता है अफर्मेटिव या नेगेटिव में तो इनवर्टेड कॉमा के बदले हम डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला सब्जेक्ट जो होता है वो कैसे बदलता है, तो फर्स्ट पर्सन रहता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन आई है तो आई सब्जेक्ट के अनुसार ही सी के अनुसार, आई नॉमिनेटिव केस में है सी भी नॉमिनेटिव केस में है, अतः आई के जगह पे क्या हो जाएगा सी, और ये सेड है पास्ट में तो ये भी टेंस बदलेगा, शैल विल बदलता है शुड वुड में, तब सी के साथ विल लगना चाहिए था, अतः विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है वुड, और गिव यू है यहां पर ऑब्जेक्ट तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट बनता, मी के अनुसार बदलेगा तो यू क्या हो जाएगा मी मनी। अब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच पीछे आपको दिया है टुमारो, तो टुमारो को हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे द नेक्स्ट, यही पार्ट ऑफ स्पीच होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल, ही सेड टू मी टुडे इज माय बर्थडे, यहां पर वही कंडीशन अपनाएंगे, ही टोल्ड लिखेंगे सेड के जगह टोल्ड क्योंकि ये इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सेड को हम सेड में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे मी और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम क्या लगा दिए दैट, क्योंकि वाक असर्टिव में है इसलिए दैट का प्रयोग किया गया है, और टुडे है तो टुडे पार्ट ऑफ स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या लिखते हैं दैट डे, और ये इज है और ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस बदलेगा, तो इज आई एम को किस में बदलते हैं वाज में, तो यहाँ पर टुडे है सिंगुलर अतः इसके साथ क्या होगा वाज, और यहाँ पर माई है फर्स्ट पर्सन तो ही के अनुसार एडजेक्टिव क्या होगा ही, ये आपका इंडाइज़। एक नोट है आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, कहने का अर्थ है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज में हो, से हो, विल से हो, शैल से हो, यानी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो टेंस जो दिया गया रहता है इंपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वो चेंज नहीं होता है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच वो चेंज होता है, सन अपन वन टू थ्री वो चेंज होता है लेकिन टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस चेंज कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब चेंज होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेज टू मी आई राइट ए लेटर, ही सेज, अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है सेज, सेज किस में है प्रेजेंट इंडिकेटिव में, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है आपका बदलेगा नहीं, अगर यहाँ पर राइट है तो यानी वी वन है प्रेजेंट में तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट में नहीं होता है, अगर इसके बदलेंगे तो से के लिए आप क्या यूज करते हैं टेल, तो सेज है तो ही के साथ क्या लगेगा टेल्स, टेल्स क्यों लगा क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सेज को हम सेज नहीं लिखते और यहाँ पर क्या लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाक अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में दिखाई दे रहा है ना वाक फुल स्टॉप में है ना, अफर्मेटिव वाक जो होता है अफर्मेटिव में रहता है, निगेटिव में रहता है यानी असर्टिव में रहता है, तो इन्वर्टेड कॉमा का मतलब दैट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या लगा देंगे दैट, अब यहाँ पर फास्ट फर्स्ट पर्सन आइए तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा ही, और यहाँ पर राइट है ही वन प्रेजेंट में है
तो इसके अनुसार यानी ही के अनुसार वर्जेंट में भी फाइव होना चाहिए। अतः क्या होता है राइट से लेकर, तो ऐसे ही आपको टेंस को क्या करना है यानी ज्यों का त्यों रखना है, कब जब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब वर्जेंट में हो या फ्यूचर में हो तब। ठीक है, अब इसमें आपको ये जानकारी रखना है बाबू कि आप ये जो टेंस जो बदल रहे हैं ये कब बदलेगा, जब सेड रहेगा तब, अगर ये प्रेजेंट में रहेगा तो विल से जो भी रहता है वो बदलेगा। और यहाँ पर मैंने बताया दैट का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक अफर्मेटिव हो नेगेटिव में यानी अफर्मेटिव हो तब, जब वाक इंट्रोगेटिव में हो तो यहाँ पर दैट के जगह हम इफ का प्रयोग करते हैं और वाक को असर्टिव बनाने का काम करते हैं। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है ना, क्वेश्चन मार्क है, वाक्य इंट्रोगेटिव में है, तब इसको हम जब बदलेंगे तो सेड के बदले हम आस्क्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं आस्क्ड लगाते हैं मी, और इनवर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे इफ लिखेंगे, और ये वाक्य जो होता है फिर हम असर्टिव में बना देते हैं, असर्टिव में बनाने का मतलब है उसको फुल स्टॉप में डाल देते हैं। तब यहाँ पर यू है तो यू फर्स्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट बन गया, मी तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट बन कर गया है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई। अब यहाँ पर डू है इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, तो यहाँ पर राइट है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा रोड, ये डू यूज हो जाता है इसी को असर्टिव बनाने के लिए हम वी टू का। अगर डू के साथ नॉट रहता तब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते, यदि नॉट नहीं है तो इसको डायरेक्ट हम वी टू में हम यूज करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यदि डब्ल्यू एच वर्ड में रहता है तो सेड के लिए हम आस्क लगाएंगे, लेकिन इनवर्टेड कॉमा के बदले जो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे रहेगा व्हाट वेयर हाउ वो ज्यों का त्यों रहेगा, ना दैट लगाएंगे ना इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड का दो और वैसे ही वाक को कर देंगे। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट please try to understand about this topic and revise your notebook yourself, get a concept, take time.